नमस्कार दोस्तों, कुमारी लॉकडाउन में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास एक और है ऑस्कर का टेलीविज़न है, जो कि ये इसे जब चलाते हैं तो पिक्चर की सही नहीं आती है, आवाज़ भी पिक्चर लहराती है और नीचे की तरफ से ये तिरछी होती रहती है, और जब चलते चलते 5 मिनट के अंदर ही इसे बंद हो जाना है, फिर ये ऑन नहीं होता है। तो हम इसे चेक कर लेंगे कि क्या इसकी प्रॉब्लम है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ये लगी हुई छोटी सप्लाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 वायर की लगी हुई थी, तो ये हमने सप्लाई इसको निकाल दिया है। इससे टीवी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको अलग कर देंगे और ये हमारे पास एक न्यू मॉड्यूलर सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हो इसमें कितने सारे वायर हैं। तो इसमें दोस्तों ये रेड ब्लैक वाला कम्युनिकेशन जो होता है ना, सभी को पता होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो रेड, ये ब्लैक, ये जैसे कि आप लगा रहे हो वैसे ही लगेगा। तो और जैसे कि ये, तो भी आपको मैं वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा कैसे वायरिंग करनी है इसकी। तो हम इस किट को पलट लेते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये एसटीआर वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ पहले से ही देख सकते हो, पहले से ही यहाँ पर एक छोटी सप्लाई लगा रखी थी, मॉड्यूल सप्लाई, जो कि मैंने निकाल दी है, ये मशीन कर रही थी। तो ये सिर्फ 3 वायर में थी, रेड ब्लैक ग्रीन में। तो वो अभी मैं इसको 5 वायर में लेके आया हूँ, क्योंकि ये अच्छी सर्किट वाली है। तो अभी हम इसको लगा देंगे और लाकर आपको बताएंगे कौन सी वायर कहाँ लगानी है और कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। वोल्ट की जो सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने रेड पॉइंट जोड़ दिया। ये जो ग्राउंड है इसका, जो ब्लैक कलर का, ये देखो ग्राउंड ये आ रहा है, और ये यहाँ से ये आप ग्राउंड देख रहे हो, ये यहाँ से ये जम्पर लगा हुआ है, ये सीधा ये देख सकते हो, ये ग्राउंड हो गया। तो अब इसमें जैसे ये ब्लू कलर का है, ये इसके सेकेंडरी साइड में ग्राउंड कर देंगे। ये येलो कलर का है, जो हमारी 110 वोल्ट की सप्लाई जो ESC के लिए निकलती है, वहाँ पर हम इसे लगा देंगे। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये वायर यहीं यहाँ ना लगाएं, बल्कि ये यहीं लगेगी, क्योंकि इसका यही पॉइंट है। और इसे, हाँ दोस्तों एक और बात, जैसे आप जिस पूरे सिस्टम के तरीके से इसको लगा लें, उसके बाद इसको यहाँ पर बल्ब की सहायता से ही एक 100 वाट का बल्ब लगाकर पहले वोल्टेज मैनेज कर लें। हमारे वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा होगी दोस्तों आगे और प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपको 110 वोल्ट मैनेज करने के बाद ही इस सेट को ऑपरेट करना है, ध्यान रखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि सप्लाई ज़्यादा ना होने पाए, और जैसे मैंने यहाँ बल्ब लगा रखा है, मैंने इस 110 वोल्ट सप्लाई मैनेज कर ली है, और आप देख सकते हो ग्लो ग्लो कर रहा है, और हमारा टीवी ऑन हो गया है, और कोई भी इसमें लहराने की पिक्चर ना लहरा रही है और ना कुछ बफरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, एकदम सही से चल रही है। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे प्रॉब्लम अच्छे है क्या। तो आप ये ग्रीन वायर देख रहे हो, इसे हम कट कर देंगे। वैसे तो ऑटो कपलर पर ये लगती है, पर हम इसे कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही इतना सा दोस्तों इसका प्रोसेस था। दोस्तों मैं टीवी को ऑपरेट कर ले रहा हूँ, तो दोस्तों टीवी बिल्कुल सही से ऑपरेट हो गई है, ना कोई लहराने की है, ना कोई अच्छी हो रही है, बिल्कुल सही पिक्चर आ रही है। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग का आइडिया मुझे बाद में याद आया था, इसलिए मैंने पहले जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आपको दिखा पाया। तो दोस्तों बेहतर है, तो इसकी जो दोस्तों प्रॉब्लम थी सप्लाई की प्रॉब्लम थी, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर पिक्चर चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जो वायरिंग का जो सर्किट डायग्राम है, जो इसके अंदर निकलता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
आप पहली बार दे रहे हो रेड फ्लैश हुई ब्लैक कलर की वायर है जो हमारी ब्राउन कलर की है, और इसकी जो ये दूसरी वाली रेड वायर है जो कि ये 300 वोल्ट एक पॉइंट पर लगी हुई है जो कि ये भी प्राइमरी साइड पर लगती है। ये दोस्तों तीसरा वाला ये पॉइंट है तो जैसे कि ये तो चौथा वाला पॉइंट है दोस्तों, ये इसके कोई फर्क कितना लगेगा, और ये दोस्तों मैं बैठने दिखा रहा हूँ ये इसकी 110 वोल्ट पर येलो कलर की वायर जो होगी इसमें ये लग जाएगी। हमने के खून में कोनो फर्क ना कहला दोस्तों, हम इंसानों के क्या करें, ये सब ड्राइवर के पीछे ही लगानी है, ड्राइवर के आगे नहीं लगाना क्योंकि डायरेक्ट इससे ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं। और दोस्तों ये इसकी ब्लू कलर की बाइक जो कि इसके सेकेंडरी साइड पर ग्राउंड पर लग जाएगी, ये तो आपने देख लिया सेटअप है दोस्तों, ये इसका बताइए। और अगर आप किसी को दोस्तों समझ में ना आए तो एक बार मुझसे कमेंट करके पूछिए, इसके बताइए, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको सही से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ।